Hey everyone, welcome back to the channel. So further continuing with the previous topic, जो हमने देखा था how we can go for the problem solving with different key dimension basis, right? So अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं that what are the steps involved for problem solving, right? So you can just pause the video and you can just note this diagram कि जहाँ पे हम एक one by one will just discuss this terminology. So first, that is a defining the problem. Second, analyzing the problem. Third one, that is designing an algorithm. Fourth, that is programming and debugging and testing, right? So you can see also the arrows. मतलब ये आपका यहाँ पे flow यहाँ पे चल रहा है, right? So अब समझिए कि basically क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है. So last वीडियोस में हमने देखा था बेसिकली कि किसी भी तरह का रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? दैट कैन बी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द साइंस, राइट? मतलब बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है. सो आप समझिए कि फर्स्ट एट द फर्स्ट लेवल व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें ऐसा नहीं है कि जस्ट समझिए आप कि इनिशियल लेवल पर है सो डायरेक्टली हम यहाँ पे सीधा जाके प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, राइट? वी हैव टू ऑब्वियसली बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, राइट? मतलब ये आपका अगर स्टेयर्स है सो सीधा हम यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट इनिशियली फ्रॉम दिस लेवल, राइट? ग्रेजुअली आप सारे लेवल्स यहाँ पे समझते जाएंगे सो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली किस तरह से आप कोडिंग तक रीच करते हैं, राइट? यहाँ जो पूरी साइकिल आप यहाँ देख रहे हैं सो ये हम ये सारे स्टेप्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट? क्या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आपका हो गया, किस तरह से हम प्रॉब्लम को. अब दूसरी चीज यहां पे ये समझनी है कि जैसे अगर ये आप हो, राइट, ह्यूमंस है जैसे हम है, राइट? सो अगर मैंने इनको कुछ प्रॉब्लम दे दी, राइट, जैसे अगर मैथमेटिकल मैंने एक प्रॉब्लम दी कि जस्ट डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट? कोई भी रैंडमली ले लीजिए, दैट इज 3 प्लस लेट्स से 2, राइट, दैट इज 5. सो ये हम इजीली कर लेंगे, राइट? सो ये हम पेन पेपर पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, राइट? फिंगर हैंड से भी ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं. सो बहुत सारी टेक्निक है वेन एवर देर इज़ अ ह्यूमन डायरेक्टली इन्वॉल्व. बट आप समझिए कि अब यहाँ पे वी हैव टू टॉक टू द कंप्यूटर, राइट? सो अगर आप सीधा कंप्यूटर को जाके बोलेंगे कि हे जस्ट डू द एडिशन 3 प्लस 2, सो अगर सीधा ऐसे बोलेंगे सो अगर नई टेक्नोलॉजीज है सो ऑफकोर्स नई टेक्नोलॉजी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ होगी तो कंप्यूटर समझ पाएगा, राइट? सो मैं वो डायरेक्शन में बात नहीं करूँ यहाँ पे. इट इज़ जस्ट दैट यू आर जस्ट गोइंग टू द कंप्यूटर एंड जस्ट विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग आप उसको बोल रहे हैं कि जस्ट डू द एडिशन, राइट? सो कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज कंप्यूटर जो है वो आपकी लैंग्वेज जो समझता है दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज. ये आपकी जो लैंग्वेज समझता है दैट इज़ अ बाइनरी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, राइट? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द बाइनरी. ये आपका 0 बिट हो गया, ये आपका 1 हो गया, राइट? जो डेटा आपका यहाँ पे डीलिंग हो रहा है वो आपका बाइनरी फॉर्म में हो रहा है. अब आप समझिए कि क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पे हमने कुछ इनपुट वगैरह दिया, राइट? कि हमने बोला कि आप कंप्यूटर जी कर दीजिए एडिशन ऑफ 3 and 2, राइट? सो आप हम यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे, यहाँ पे कंप्यूटर जो है कुछ चीज़ वो प्रोसेस करेगा, राइट? वो कोई चीज़ प्रोसेस करेगा और उसके बाद इंटरनली जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगी मतलब बाइनरी लेवल तक, वहाँ पे हम डीपली नहीं जा रहे यहाँ पे, और उसके बाद जब फाइनली यहाँ पे कुछ प्रोसेस होने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट? सो ये सारी चीज़ यहाँ पे करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम यहाँ पे किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम को समझे, किस तरह से उसको एनालिसिस करें बिफोर एक्चुअली डूइंग द कोडिंग. सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगी, क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे, राइट? क्या हम प्रोसेस लिखेंगे सो वो कंप्यूटर एक प्रोसेस करेगा और उसके बाद यहाँ पे वो एक आउटपुट जनरेट करेगा. सो एट द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टेज यहाँ पे आपका आ जाता है दैट इज़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डेफिनेशन क्लियरली, राइट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट होगी या फिर एग्जाम में होगी या तो वेन एवर यू गो एंड वर्क फॉर द इंडस्ट्री. सो यहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन है सो यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड
द प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ को समझने की ट्राई कीजिए यहाँ पे। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, मतलब ये आपका हो गया प्रॉब्लम डेफिनेशन, राइट। जैसे ये प्रॉब्लम डेफिनेशन था, जस्ट डू द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, राइट। या तो फिर कोई फैक्टोरियल निकालिए, या तो फिर कोई ग्राफ कुछ ड्रॉ कीजिए, राइट। इट कुड बी एनी प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन समझ ली, सो यहाँ से आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो यहाँ पे आपको चाहिए होगा आपका इनपुट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या हमारा होगा आउटपुट, राइट। मतलब अगर मुझे यही चीज़ नहीं पता कि थ्री और टू एडिशन एक कुछ प्रोसेस है जिससे मेरा आउटपुट फाइव आएगा, राइट। सो अंटिल और अनलेस आई नो दिस प्रोसेस कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, या तो फिर लेट्स से अगर सब्स्ट्रैक्शन है, सो अगर यहाँ पे मुझे ये ऑपरेशन ही नहीं पता, या फिर ये आउटपुट क्या आया और किस तरह से आया ये नहीं पता, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू द कोडिंग, राइट। सो इसकी वजह से हमें इनपुट्स पता होने चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट पता होना चाहिए कि थ्री अगर टू मैं यहाँ पे करूँगा सो आई विल गेट द आंसर फाइव, अगर यहाँ पे मैं करूँगा लेट्स से फाइव और प्लस थ्री सो आई विल गेट द आंसर एट। सो यहाँ पे मुझे डिजायर्ड आउटपुट जो है ये पता होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई कंस्टेंट्स वगैरह है, या तो फिर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन की अगर रिक्वायरमेंट्स है, राइट। जैसे अगर मान लो कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि विच नंबर इज मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस टू, राइट। सो ये हो गया एक कंस्टेंट। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि मिनिमम नंबर यहाँ में दोनों में से कौन सा है, राइट। सो जो भी आप प्रोसेस करेंगे सो ये हमारे इनपुट्स हो जाएंगे और आफ्टर दैट यू विल गेट द आउटपुट। सो आउटपुट आएगा मिनिमम नंबर जो है दैट इज़ अ थ्री, राइट। सो इसकी वजह से यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली कि क्या चीज़ यहाँ पे मांगी गई है और क्या हम इनपुट्स लेंगे, क्या आउटपुट लेंगे, किस तरह से हम प्रोसेस करवाएंगे और हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एट द इनिशियल लेवल। सेकेंड थिंग आपकी आ जाती है, दैट इज़ यू हैव टू एक्चुअली प्लान द सोल्यूशन कि किस हिसाब से हम सोल्यूशन को प्लान करें, या फिर किस हिसाब से हम जो हमारी प्रॉब्लम थी, राइट, प्रॉब्लम डेफिनेशन थी, तो उस चीज़ को हम किस तरह से क्या वे में जाके उस चीज़ को सॉल्व करें, राइट। मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर लेट्स से आपकी जो भी प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो लार्ज है, सो अगेन यू हैव टू ब्रेक द मेजर प्रॉब्लम इनटू सब सेक्शन ऑफ द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, राइट। आप सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कीजिए, राइट। और कई कबार ये होता है कि यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस सब प्रॉब्लम, फिर आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फिर ये कीजिए, सो एट द एंड आपकी पूरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो वो एज अ कोडर और वो एज अ टेक्निकल पर्सन आपको जानना है कि किस हिसाब से आपका सिस्टम जो है या फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो आप प्लान करेंगे, राइट। प्लानिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, बट एट द एंड यू हैव टू चेक ऑन द आउटपुट्स। और ये सारी चीज़ करने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे डेटा यूज़ करेंगे, इनपुट्स यूज़ करेंगे, प्रोसेसेस यूज़ करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ हमें जाननी पड़ती है। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपकी एनालिसिंग, ये सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली बिफोर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें करते हैं, सूडो कोड्स वगैरह यहाँ पे लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। वी डिड नॉट डायरेक्टली जंप एंड राइट द एल्गोरिदम्स, हम इसके बीच में भी सारी चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो सूडो कोड एक हाई लेवल डिस्क्रिप्टिव ऑफ द सोल्यूशन है, राइट, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं कि किस तरह से हमारे क्या थाट्स हैं, किस तरह से हम पूरा प्रॉब्लम है उसको पूरा डिराइव करेंगे, राइट, क्या स्टेप्स फॉलो करके हमें एग्जैक्टली हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया कि जैसे हमने अल्गोरिदम पूरा यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, इनिशियल लेवल पर जो आपका होता है वो हम फ्लो चार्ट भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट, वो ग्रेजुअली हम देखेंगे। सो फ्लो चार्ट जो है एट द इनिशियल लेवल कि जिसमें बहुत सारे पिक्टोरियल डायग्राम्स होते हैं, इस तरह से जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, सो उस तरह से डायग्राम होते हैं कि किस हिसाब से हम ये पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद हम अल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं,
अल्गोरिदम में भी हम वेरियस स्टेप्स लिखते हैं कि स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, और उसके बाद यहाँ पे अल्गोरिदम करने के बाद एक्चुअली दैट विल जस्ट ब्रिंग क्लोजर टू द प्रोग्रामिंग, राइट। अब यहाँ पे ये स्टेज में जाके हम हमारी एक्चुअली पाइथन की, या फिर अगर जावा है तो जावा की, या तो फिर सी शार्प है, राइट। सो कोई भी लेवल पे हम ये लेवल पे जाके एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल ओवरव्यू आइडिया फॉर एवरी प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे जाके हमने अब पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब पाइथन का कोड सीधा तो हम लिख नहीं देंगे, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पाइथन डिफरेंट सेक्शंस, कि किस हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फंक्शन यूज करेंगे, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सो जैसे जैसे आप डिटेल में प्लेलिस्ट देखते जाएंगे, वीडियोस देखते जाएंगे, सो आपको सारे चीज़ यहाँ पे समझना आ जाएगा। आफ्टर दैट वंस यू आर डन विद द प्रोग्रामिंग, सो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डीबगिंग एंड टेस्टिंग। मतलब आपने यहाँ पे जो भी कोड लिखा है, वो कोड जो है वो एग्जैक्टली जो हमारा आउटपुट आना चाहिए था वो चीज़ दे रहा है, राइट। सो ये सारी चीज़ हम ये लेवल पे चेक करते हैं, वेदर माई कोड इज सफिशियंट टू जनरेट द आउटपुट, वॉट एवर द आउटपुट वी आर डिजायर, राइट। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द एक्चुअल आउटपुट, सो ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो ये सारी चीज़ हम कोड हमने प्रॉपरली लिखा है, कोई एरर्स नहीं है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम चेक करते हैं, राइट। टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, अगर इस तरह से मेजर प्रॉब्लम है, अगर सब सेक्शन में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, सो यहाँ पे भी हम डीबगिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे भी हम डीबगिंग टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लान दैट यू हैव मेड, और आपका प्रॉब्लम स्ट्रेटजी किस हिसाब से है। और एट द लास्ट लेवल हम डीबग हमने किया, टेस्टिंग किया, और हम यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं कि कोड अगर जो है, सो अगर वो 10 लाइन का हमारा कोड है, सो क्या हम वो ऐसी कुछ चीज़ हमने यूज़ की है कि हम उसको ऑप्टिमाइज करें और हम कोड उसको फर्दर रिड्यूस कर पाए, राइट। मतलब 10 लाइन का कोड अगर हम 8 लाइन में कर पा रहे हैं या 5 लाइन में कर पा रहे हैं, इज इट पॉसिबल। सो कई कबार कोड में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ हम हटाएं, बट स्टिल हमारा आउटपुट जो है वो इसी तरह से आपका फंक्शन करता रहे, राइट। सो ये मैंने एक डिटेल आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस हिसाब से कौन से स्टेज में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ आप इसी स्लाइड में यहाँ पे देख पाएंगे, सो आई एम नॉट गोइंग अगेन दैट इन अ डिटेल, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और यू कैन जस्ट राइट डाउन द नोट्स इफ़ यू वॉन्ट। यही सारी चीज़ हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देख लिया, इनपुट्स आउटपुट्स जो भी हमारा है ये हमने देख लिया, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है सो वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सब प्रॉब्लम्स इफ़ नीडेड, और उसके लिए वी हैव टू कंसिडर द डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स जो भी हमें सॉल्यूशन तक ले जाए, राइट। उस हिसाब से हम सूडो कोड्स वगैरह भी यहाँ पे प्लान करेंगे, वी हैव टू राइट अ हाई लेवल डिस्क्रिप्टन सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे हमारे जो थॉट्स हैं उसको लिखेंगे बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड, राइट। यही सारी चीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद हम करेंगे, प्लान करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे हमारे सिंटेक्स अच्छे हैं, कोड अच्छा है, प्रॉपरली है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती है। सारी चीज़ यहाँ पे प्लान हो गई, फिर हम एट लास्ट यहाँ पे कोड टेस्ट करते हैं, बट इनिशियल लेवल पे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट इनपुट पे हम किस तरह से डिफरेंट इनपुट देंगे और किस तरह से हम डिफरेंट केसेस में यहाँ पे आउटपुट को मेजर करेंगे, राइट। सो ये यहाँ पे हो जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला, अगर 10 लाइन का कोड है सो अगर हम उसको 5 लाइन में या 6 लाइन में कर सकते हैं और हमारा आउटपुट वही आ रहा है, सो अवर कोड इज़ ऑप्टिमाइज। मतलब हमने जो पहले लिखा था 10 लाइन का कोड, वहाँ पे कुछ हमने ज़्यादा लिख दिया और हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, राइट। सो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे पोटेंशियली पॉसिबल है कि हम हमारे कोड जो है उसको एफिशिएंट बनाए, रिडेबल बनाए, मेंटेन उसको करें, राइट, रिफैक्टर करें अगर कोड की ज़रूरत है उसको, तो ये सारी चीज़ हो जाती है। एट द लास्ट लेवल ऑफ स्टेज वंस वी आर डन विद ऑल दिस एक्टिविटीज़, हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, राइट।
सो यहाँ पे हम प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे कि क्या फंक्शन यूज़ किए, क्या इनपुट यूज़ किया, क्या हमारा आउटपुट आया, क्या रिलेवेंट डिटेल्स है, राइट right? मतलब अगर आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं सो प्रोजेक्ट में भी ये सारी चीज़ एट द लास्ट यू कैन जस्ट डॉक्यूमेंट इट। अब ये सारी चीज़ करने के लिए बेसिकली यू हैव टू लर्न द एंटायर पाइथन। यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स लाइक यू हैव टू कुक सम फूड, सो उसके लिए आपको अगर कुछ रेसिपी चाहिए, राइट right? सो क्या क्या हम उसमें यूज़ करेंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, सो ये सारे चीज़ यहाँ पे आप एंटायर पाइथन में पढ़ते हैं, राइट right? सो अभी डीपली नहीं जा रहे, जस्ट फॉर ओवरव्यू। डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे अलग अलग, इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारे चीज़ हम जब डेटा के साथ डील करते हैं, इनपुट आउटपुट के साथ डील करते हैं, सो वी रिक्वायर अ डेटा, राइट, वी रिक्वायर वेरिएबल्स, सो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। कंट्रोल फ्लो, सो फर्दर आप पढ़ेंगे, लूप्स वगैरह अगर है सो उसके एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे लूप्स भी हमें यूज़ करनी पड़ती है। फंक्शंस भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जहाँ पे अगर फंक्शन की ज़रूरत पड़ी, अगर इनबिल्ट फंक्शन है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, सो ये चीज़ भी यहाँ पे चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, दैट इज़ ओके, दिस इज़ जस्ट इनिशियल लेवल थिंग, ग्रेजुअली सारी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिकर्जन्स है, फाइल हैंडलिंग है, अगर कोई आप हार्ड ड्राइव पे अगर कोई फाइल है तो उस पे अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, सो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग जानना ज़रूरी है कि किस हिसाब से टेक्स्ट फाइल आपकी रीड राइट होती है, बाइनरी फाइल्स जो आपकी है रीड राइट होती है, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन अगर आपके कोड में अगर कोई है, कोई एरर आ रही है, सो किस हिसाब से आप उस कोड को एक्सेप्शन हैंडल करवाएंगे, राइट। सो दैट इज़ ओके, आप चीज़ें आगे ग्रेजुअली समझ पाएंगे। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, सो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है सो ये भी हम यूज़ करेंगे। सॉर्टिंग सर्चिंग, अगर कोई इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं सो यहाँ पे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की अगर नीड है सो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एल्गोरिथम्स, राइट, सो जैसे BFS हो गया, DFS हो गया, राइट, सो दैट इज़ ओके एट द इनिशियल लेवल कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, जस्ट पॉज द वीडियो, जस्ट राइट डाउन द नोट्स, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें। बट ये सारी चीज़ ऐसी है कि ये हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कब यूज़ कर सकते हैं, सो उसके लिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, राइट। सो विल कीप ऑन चेकिंग सम अदर कॉन्टेक्स्ट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।